साल 1993 तारीख 2 अगस्त रक्षाबंधन के दिन 17 पेज का एक आदेश जारी होता है कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं दे देती तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। यह आदेश था तत्कालीन चुनाव आयुक्त पीएन शेषन का। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ और आप हैं मंच पर। तिरुनिलय नारायण अय्यर शेषन का जन्म 15 दिसंबर 1932 को पलक्कड़ केरल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 60 के शुरुआती दशक में वैज्ञानिकों के लिए जॉब के मौके बहुत कम थे, इसी वजह से उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में ही 1952 में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने के दौरान वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते रहे। 1953 में टीएन शेषन ने पुलिस सेवा परीक्षा में टॉप किया और 1954 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली परीक्षा भी क्लियर की। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 में, दिसंबर की ठंडी रात करीब 1 बजे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की सफ़ेद एम्बेसडर कार नई दिल्ली के पंडारा रोड के एक सरकारी घर के पोर्टिको में रुकती है। ये घर उस समय रहे योजना आयोग के सदस्य टीएन शेषन का था। स्वामी बहुत बेतकल्लुफी से शेषन के घर में घुसे। वजह यह थी कि 60 के दशक में स्वामी शेषन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके थे। हालांकि वो शेषन से उम्र में छोटे थे, उस जमाने में सुब्रमण्यम स्वामी को हार्वर्ड में जब भी दक्षिण भारतीय खाने की तलब लगती थी वो शेषन के फ्लैट में पहुंच जाते थे और शेषन उनका स्वागत दही चावल और रसम के साथ किया करते थे। लेकिन उस दिन स्वामी शेषन के यहाँ इतनी देर रात ना तो दही चावल खाने आए थे और ना ही वट्टल कोडम्बो, बल्कि वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दूत के तौर पर वहाँ पहुँचे थे। और आते ही उन्होंने उनका संदेश दिया था कि क्या आप भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनना पसंद करेंगे। शेषन को इस प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका कोई इरादा नहीं था निर्वाचन सदन में जाने का। लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी करीब 2 घंटे तक उन्हें ये पद स्वीकार करने के लिए मनाते रहे, शेषन ने उनसे कहा कि वो इसका फैसला करने से पहले कुछ लोगों से परामर्श लेना चाहते हैं और इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। टीएन शेषन की जीवनी शेषन एंड एंटीमेट स्टोरी के मुताबिक स्वामी के जाने के बाद शेषन ने राजीव गांधी को फोन मिलाकर कहा कि वो तुरंत उनसे मिलने आना चाहते हैं। जब वो उनके यहाँ पहुंचे तो राजीव गांधी अपने ड्राइंग रूम में थोड़ी उत्सुकता के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शेषन वहां पहुंचे, राजीव ने उन्हें देखते ही जोर से आवाज लगाई, फैट मैन इज हियर। इसके साथ ही राजीव ने अपने घर के स्टाफ से कहा कि क्या आप हमारे लिए कुछ चॉकलेट्स भिजवा सकते हैं। चॉकलेट शेषन और राजीव दोनों की कमजोरी थी। शेषन ने उनसे सिर्फ 5 मिनट का समय लिया था, लेकिन ये समय बहुत जल्द ही बीत गया। थोड़ी देर बाद राजीव गांधी ने शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन वो इससे बहुत खुश नजर नहीं आ रहे थे। जब राजीव शेषन को दरवाजे तक छोड़ने आए तो उन्होंने उन्हें छेड़ते हुए कहा कि वो दाढ़ी वाला शख्स उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। दाढ़ी वाले शख्स से राजीव गांधी का मतलब था प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। टीएन शेषन के राजीव गांधी के करीब आने की भी एक दिलचस्प कहानी है। जब शेषन वन और पर्यावरण मंत्रालय में सचिव थे, उस दौरान उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि राजीव ने उन्हें आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सुरक्षा सचिव बना दिया। सुरक्षा सचिव के रूप में शेषन सचिव से कहीं ज्यादा बड़ा काम करने लगे, वो खुद सुरक्षा विशेषज्ञ बन गए। एक बार उन्होंने राजीव गांधी के मुंह से ये कहते हुए बिस्किट खींच लिया कि प्रधानमंत्री को वो कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसका पहले से परीक्षण ना किया गया हो। शेषन ने फर्जी वोटर आईडी बनने पर रोक लगाई, पात्रता पूरी करने वालों को ही आईडी जारी करवाना शुरू किया, चुनाव आयोग की मशीनरी को ऑटोनॉमस करने का काम भी किया, रिश्वत रोकने, शराब बांटने, वोटर्स को लालच देने जैसे कामों को रोकने के लिए ऐसा किया गया। कैंडिडेट्स के खर्चे की लिमिट पर पाबंदी लगाई, लाउड स्पीकर से प्रचार करने पर पहले लिखित में अनुमति लेने को अनिवार्य किया। शेषन ने ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी करवाए थे। शुरुआत में सरकार ने इसे विफल करने की कोशिश की थी, लेकिन शेषन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट के नियम 37 के तहत चुनाव रोकने की बात कही। बाद में कोर्ट में मामला हल हुआ और जल्द ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी होना शुरू हो गए। शेषन के बारे में कहा जाता था कि भारतीय राजनेता सिर्फ 2 चीजों से डरते हैं, पहला ईश्वर, दूसरा शेषन।
उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बहुचर्चित जुमला भी बोला था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों को खाता हूँ। लेकिन शेषन का एक मानवीय पक्ष भी था, वो कर्नाटक संगीत के शौकीन थे, उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करने का शौक था। शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बिहार में पहली बार 4 चरणों में चुनाव कराया था और चारों बार चुनाव की तारीखें बदली गई थी। ये बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव था। तब लालू काफी भड़क गए थे। लालू यादव ने बिहार के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी RGM पिल्लई को फोन किया और उन पर जमकर बरसे। लालू ने तब पिल्लई से कहा था कि पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और तुम हमारा अफसर, ये सेशनवा कहाँ से बीच में टपकता रहता है, फैक्स भेजता है, फैक्स वैक्स सब उड़ा देंगे, इलेक्शन तो हो जाने दो। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव TN शेषन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में TN शेषन से लालू की अदावत के कुछ दिलचस्प किस्से हैं। चुनाव के दौरान हर सुबह अपने आवास पर होने वाली अनौपचारिक बैठकों में लालू के गुस्से के केंद्र शेषन ही होते थे। ऐसी ही एक बैठक में उन्होंने कहा था कि शेषन पगला सांड जैसा कर रहा है, मालूम नहीं है कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। लालू कहते थे कि शेषनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने TN शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि अनेक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए, लेकिन TN शेषन एक ही हुए हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।